हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना का नया वेरिएंट 5 गुना तेजी से बढ़ रहा, एक संक्रमित 20 लोगों को चपेट में ले सकता है। जैसलमेर कोरोना की तीसरी लहर पहली दोनों लहरों से ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। ये नया वेरिएंट 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पहली लहर में जहां एक व्यक्ति एक या दो लोगों को संक्रमित कर सकता था, वहीं दूसरी लहर में यह संख्या 6 व 7 पहुंच गई है। लेकिन तीसरी लहर में 20 से ज्यादा लोगों को एक व्यक्ति संक्रमित कर सकता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि संक्रमण फैला तो यह सुपर स्प्रेडर होगा और कुछ ही दिनों में कोरोना पीक पर पहुंच जाएगा। बावजूद इसके जैसलमेर का चिकित्सा महकमा लापरवाही बरत रहा है, यहां भी 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं आ रही है। पूर्व में जब सैंपल कम लिए जा रहे थे तब भी उसी दिन रिपोर्ट आ जाती थी, अब अगले दिन आ रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती है। सैंपल लेने के बाद कोई भी व्यक्ति क्वारंटाइन नहीं हो रहा है और यदि वो पॉजिटिव निकलता है तो तब तक 20 लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। दूसरी लहर की भयावहता देखने के बावजूद चिकित्सा विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा है। जयपुर व जोधपुर में जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसे देखते हुए यहाँ पे लैब को 2 पारी में चलाने की जरूरत है ताकि उसी दिन रिपोर्ट आ सके, मगर अभी भी विभाग सुस्त है और कुछ दिन पहले वाले डरने पर ही चल रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि अगर संक्रमण फैलना शुरू हो गया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में जारी हुई नई गाइडलाइन में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसके वैक्सीन लगने होने का प्रमाण पत्र जांचा जाए, लेकिन जैसलमेर का चिकित्सा विभाग इसे लेकर कतई गंभीर नहीं है। संवाददाता ने रेलवे स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस, बांद्रा एक्सप्रेस व बीकानेर की ट्रेन के समय पड़ताल की तो वहां इन ट्रेनों में आने वाले बाहरी लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में पूछने वाला कोई नहीं था। इसी तरह शहर के बस स्टैंड पर भी यही हाल थे। रोजाना 100 से ज्यादा बसें आ रही हैं, कई पर्यटक निजी वाहनों से भी आ रहे हैं, लेकिन उनके दोनों डोज लगे नहीं होने की जांच करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। जैसलमेर से लगते बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर जिलों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हालांकि जैसलमेर में अभी तक शुरुआती हुई है, लेकिन इन 3 जिलों में रोजाना दर्जनों बसों का संचालन होता है और यहां के लोगों के व्यवसायिक संबंध व रिश्तेदारी भी इनके जिलों से है। ऐसे में इन जिलों में जैसलमेर में कोरोना पहुँचने में देरी नहीं लगाएगा और कभी भी विस्फोट हो सकता है। दूसरी लहर में ज्यादा मरीज आने पर विभाग ने आंकड़े छिपाने का खेल किया था। आधे मरीजों की एक दिन में तो आधे रोगियों की रिपोर्ट दूसरे दिन में मिल रही है। अभी ये शुरुआत हो चुका है, लेकिन घातक साबित हो सकता है क्योंकि इस बार नया वेरिएंट सुपर स्प्रेडर है। हालांकि इन दिनों में प्रदेश में भी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, लेकिन जैसलमेर में ऐसा नजर नहीं आ रहा। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव मरीज बड़ी तादाद में मिलने के बाद ही हम गंभीरता बरते, पहले से ही सजग रहेंगे तो कोरोना को रोक सकेंगे। वर्तमान में मास्क पहनने को लेकर और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती नजर आ रही है। यदि ऐसा ही हाल रहा तो दूसरी लहर से डरावनी तस्वीर देखने को मिल सकती है। जैसलमेर के स्कूल अभी संचालित हो रहे हैं, तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार और प्रशासन मरीज बढ़ने के इंतजार में है। जहां मरीज बढ़ रहे हैं वहां तो स्कूल बंद ही कर दी और जहां कम है वहां अभी तक बंद नहीं की है। मरीज बढ़ेंगे, संक्रमण फैलेगा, बच्चे चपेट में आएंगे, तभी शायद स्कूल बंद किए जाएंगे। जल्दी स्टाफ लगाया जाकर 1-2 दिन में डबल पारी में लैब शुरू करवा दी जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर टीमें लगा रखी है। यदि वहां जांच नहीं की जा रही है तो इसका पता लगाया जाकर टीमों को हिदायत दी जाएगी। मेरी जिले वासियों से अपील है कि वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और खुद भी सजग रहें। जागरूक टीवी के जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।